So very very good evening everyone. Hold on, we are telling more followers to join your video. Yes sir, Instagram, thank you very much. I'm still holding on. Hi Utkarsha, thank you for being the first person to log in for the live session. I hope you are doing great. So we have around two people over here who has been watching me. Hello everyone. And I'm just waiting for more people to... Sunaina is here. Hi Sunaina, how are you? Hi Lina, I'm waving everyone. I like the smiley, yaar. Ye wavy wala jo emoji hai. Hi. Hi Nikita. Hi Lina. Good to see you, yaar. I mean, good to see that you're online. I can't see you though. So it's a very, very good thing, yeah. Everyone is joining in. So in the meantime that we start off with the session, you know, Utkarsha, tell me, how is it going, yaar? How is it going? What are you doing these days? I keep on seeing a lot of videos of yours. Aur bahut acha lagta hai, kafi videos aap jo banate ho, they're very good. Hi, Shweta. And Lina, how are you? Good, yeah. फटाफट से लोग आना. अरे बहुत सारे hearts मुझे चाहिए. Please, please keep on giving all your hearts. Because Shweta, I am so sorry, Baba, that I can't join you right now because on video, because our guest is also waiting. Hi, Monty. Hi, Alu. कहीं ये अलू अर्जुन तो नहीं जो साउथ के बहुत ही बड़े सुपरस्टार है. अरे उत्कर्ष, यू आर मोस्ट वेलकम. यार कीप ऑन सीइंग ऑल योर वीडियोस, दे आर सो गुड. और काफी बार आप एक साउथ इंडियन लैंग्वेज में भी जो आप करते हो वो बहुत बहुत बढ़िया होता है, बहुत मजा आता है. हाय ऋतुजा, हाउ आर यू? गुड टू सी यू यार. मोहक, मोंटी, ये सी, आई एम लुकिंग हैंडसम. अच्छा, जो लोगों को लगता है कि मैं बहुत अच्छा दिख रहा हूं आज, हाय विवेक, हाय मोहक, तो आप प्लीज एक थम्स अप कर दीजिए. और बहुत सारे हार्ट्स, आई लव, नमस्ते नमस्ते विवेक, नमस्ते, बहुत नमस्ते, पूरा हंसते हंसते. सो प्लीज आई वुड लव ऑल योर हार्ट्स. अगर आप हार्ट्स भेज सको तो बहुत ही अच्छा लगेगा. हाय ऋषिकेश, कैसे है? तमिल एंड मलयालम, यस उत्कर्ष, तमिल एंड मलयालम में आप जो करते हैं, काफी वीडियोस बनाते हैं. लेट मी टेल एवरीवन दैट उत्कर्ष कीप्स ऑन मेकिंग अ लवली वीडियोस, और उसको भी आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा. अपना स्टार इज ओनली वन एंड थैंक यू. ईद मुबारक, ईद. अरे अच्छा विवेक, आपको टी शर्ट अच्छी लगी? थैंक यू वेरी मच यार, थैंक यू. दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट टी शर्ट्स, और अच्छा लगा कि आपको अच्छी लगी है. एंड बहुत ही अच्छा कि एक सेकेंड, आई हैव टू कॉल माई गेस्ट नाउ. हाय रितेश, या श्वेता ग्रीन, देखा, इसलिए पीछे का बैकग्राउंड आज निकाल दिया मैंने, नहीं तो मैं एकदम मर्ज हो गया होता. ओके सो गाइज, वी हैव अ लवली गेस्ट. और इससे पहले कि हम लोग शुरुआत करें इस सेशन का, सो आई वुड जस्ट लाइक टू स्टार्ट ऑफ विद माई नॉर्मल रिचुअल, दैट इज अ वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन. आई होप एवरीवन इज डूइंग फिट, फैंटास्टिक एंड फैबुलस एज यूजुअल. एंड वेलकम टू दिस येट अनदर एपिसोड ऑफ इट्स माई स्टोरी व्हाट्स योर्स. सो एज एवरीवन हैज सीन, हमारे जो क्रिएटिव्स थे, हमारे जो पोस्टर्स थे, और काफी लोगों ने लाइक भेजा है मुझे. आई ट्रूली अप्रिशिएट एवरीवन. जब मैं एक क्रिएटिव डालता हूँ कोई भी हमारे सीरीज का, और जितने लाइक्स आते हैं, बहुत लोग मैसेज करते हैं, वेरी गुड सर, वी आर वेटिंग एंड दिस, आई रियली अप्रिशिएट दैट, थैंक यू वेरी मच. हार्ट्स कंटिन्यूस चालू है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. बट नाउ इट्स टाइम टू कॉल आ वेरी 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 स्पेशल गेस्ट फॉर दिस एपिसोड. और वेरी 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 स्पेशल गेस्ट को मैं इन्वाइट भेज रहा हूँ बिकॉज she has joined us. I'm sending an invite to her. Okay.
येट टू कम मोंटी, येट टू कम। अनु बवेजा, हाय, वेरी गुड इवनिंग अनु, थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड आई एम ऑल एक्साइटेड, आई एम ऑल एक्साइटेड। हेलो हेलो, हाउ आर यू? हाउ आर यू रोहन? देख ले यार, एज यूजुअल स्मार्ट एंड हैंडसम, फैंटास्टिक एज ऑलवेज, रॉकिंग, फैंटास्टिक। ओके शिल्पा, आई वुड रिक्वेस्ट यू नॉट टू से अ वर्ड राइट नाउ, ओके? Because I have to invite you now. How is that possible? No, you have to, because I have to invite you. Ritual hai, yeah? Okay? So here we have the very gorgeous, the very talented, and my senior, at least in the field of anchoring, is my very dear friend, Shilpa Bhinde, is here. Love. Big round of applause. Thank you, Shilpa, for giving all your valuable time. And Shilpa is an anchor, as we all know. तारीफ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि तारीफ उन लोगों की जाती है जिनको लोग जानते नहीं है, एंड शिल्पा को सभी लोग जानते हैं। एंड शिल्पा हैज नॉट ओनली डन शोज, आई वुड से स्टेट वाले, सिटी वाले, उन्होंने स्टेट पे भी किए हैं, नेशनल पे भी किए हैं, इंटरनेशनल पे भी किए हैं। इसके आगे कुछ और बाकी है शिल्पा? लेट्स सी, लेट्स एक्सप्लोर मार्स नाउ। ग्रेट, तो मार्च में अगर कोई और जगह भी होगी तो मुझे भी बोल देना। We'll do it together. Great. So, and Shilpa is an image consultant also. She works on a lot of images and वो पूरा image change कर देते आपका। So ये हो गई सारी introduction Shilpa की, and Shilpa one more time, welcome to my series, and अभी बोल रहा हूँ thank you very 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 much. One call. Thank you so much. So yes. दोस्त है यार रोहन, एनीथिंग फॉर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। और देखो, तुम्हारे आने के बाद हार्ट्स जो है बहुत बढ़ गए हैं, बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं, कंटिन्यूअसली हार्ट्स आ रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। सराफ आनंद इज ऑल्सो हियर, विश्वास, रेडियो विश्वास भी ज्वाइन कर चुके हैं हमें, सो ग्रेट। नाउ शिल्पा, एज वी हैड अ टॉक, ओके, सो द कॉन्सेप्ट इज, यू नो, इट्स माई स्टोरी, व्हाट्स योर्स? सो मेरी स्टोरी मैं बाद में बताऊंगा, मैं जानना चाहता हूं आपकी स्टोरी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन गोज टू यू विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, व्हाई एंकरिंग, हाउ एंकरिंग, व्हेन एंकरिंग स्टार्टेड? ओह, सो ये जर्नी शुरू हुआ 2015 में, व्हेन माय डैड वाज इन रोटरी। आई वुड कॉल माई सेल्फ एन एक्सीडेंटल एंकर, द रीजन बीइंग आई वांटेड टू बिकम अ पायलट, but then that never really worked out. Yeah, I wanted to join Air Force right since my childhood, but my dad, when he was in Rotary, to ek bar 31st December jo hamari gala night, New Year night hoti hai, to sabne decide kiya, why to call up performers from outside, let's have all these kids, you know, jitne Rotarians the unke jo sare bacche hain, let's put up a show together. So then someone said I'll do a drama, kisi ne bola main dance karunga, kisi ne bola I'll sing a song, koi shayari bolega, फाइनली सब डिसाइड हो गया, बट देन वी डिडंट गेट एनी वन हु वुड से आई वुड एंकर द शो, एंड देन एवरीबडी स्टार्टेड पॉइंटिंग एट मी, बिकॉज उनको पता था कि आई एम लाइक अ चैटर बॉक्स एंड आई कैन स्पीक वेल, सो दैट्स हाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज पुट ऑन मी एंड आई बिकेम द एंकर ऑफ द शो। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 2015, 31st ऑफ डिसम्बर 2015, एंड देन जद्दोजहद शुरू हो गई, भाई पहला शो है तो इसको रॉक करना है। You won't believe रोहन, मुझे दो दिन लगे स्क्रिप्ट बनाने में, और स्क्रिप्ट भी कैसी बनाई, राइट, एक एक वर्ड उस पर मैंने लिखा है, जैसे कि आप सभी का स्वागत है आज की इस शाम में, यहां से लेके एंड के थैंक यू तक मैंने एक एक वर्ड लिखा हुआ है। इट टुक मी ऑलमोस्ट 48 आवर्स, कंप्लीटली कनेक्ट टू दिस, या फिर क्या हुआ? एग्जैक्टली, बिकॉज पहली अपॉर्चुनिटी थी तो उसको रॉक करना था, एंड देन ऑफकोर्स आई वॉज वेरी वेल अप्रिशिएटेड पोस्ट द इवेंट, एंड दैट्स वेन आई वुड गिव दिस क्रेडिट ऑफ बीइंग एन एंकर। आज जो भी जहां पर भी मैं हूँ, जो भी सक्सेस मुझे मिला है, आई ओ इट टू माई पेरेंट्स, स्पेशली माई फादर, बिकॉज ही सेड कि यू डिड सच अ ग्रेट शो, यू स्पीक वेल, इफ यू कैन जस्ट यू नो एनहेंस योर वोकैबुलरी, आई थिंक यू कैन रियली बिकम अ गुड स्पीकर, सो वाई नॉट गेट इन टू दिस फुल टाइम, and that's when the journey started. Good you didn't become a pilot.
वी वुड हैव लॉस्ट गुड एंकर. आप नहीं मिलते मुझे. नहीं यार देखो शिखा, थैंक यू सो मच. मैं इतना बोलना चाहूंगा, नॉट बिकॉज यू आर माय फ्रेंड आई वुड से दिस, बट यू नो इन द फील्ड ऑफ एंकरिंग, मैं मुझे आज 11-12 साल हो गए, आपको शायद 15 एक साल तो आई थिंक हो गया, 15-16 साल हो गए हैं. आई हैव सीन यू शो डूइंग शोज लाइक व्हेन आई वाज इन द विंग एरिया ऑर्गेनाइजिंग. आई स्टिल रिमेंबर वन शो दैट वी डिड टूगेदर वॉज एट टाइगर हिल्स. यस That was the first time, I think it was around 14 years back. I was trying to get Absolutely. Into events, and that is the first time we met. I still Yes, remember. Very true. Yeah. So, mujhe aapka naam aaya tha, and then I started talking to you. Your sister was also there, but tumhara aur mera interaction hua, and then we did the show. You did the show. You were the anchor for one of the events at Tiger Hills. So, I am somewhere inspired by yes. it. I do follow you a lot of times, and इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अच्छा वो नहीं बने पायलट है, बहुत पायलट है, एंकर कम है, अच्छे वाले एंकर कम है, पायलट बहुत है. So yeah, फिर क्या हुआ? Thank you so much. And I am really enjoying what I'm doing. Yes. फिर क्या हुआ आगे? So वहाँ से जर्नी शुरू हुई, then रोहन मैंने I really don't मुझे बिल्कुल इस ये बोलने में शर्म नहीं आती कि after that I also did some assignments जहाँ पे जो hostesses होती हैं. Of course I don't find any job जो disrespectful है या जिसको respect नहीं है. मेरे दिमाग में ऐसा कोई भी job नहीं है. Whatever you do it with passion. हर एक job is respectful. So I started my journey with getting 500 rupees for being a hostess for one event at Taj Gateway. देन धीरे धीरे लोगों को जैसे पता चला. यस प्लीज काइंडली एक्सप्लेन व्हाट वाज द होस्टिंग थिंग दैट यू डिड, बिकॉज़ अ लॉट ऑफ पीपल गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन अ होस्ट एंड एंकर एंड एन एमसी. यस सो बेसिकली वहां पर ऐसा था कि जो लोग आ रहे हैं, आई वाज अकंपनीड विद वन मोर होस्टेस विद मी, एंड एट द रजिस्ट्रेशन काउंटर हमें वहां पर लोगों का नाम लिखना था, उनके बिजनेस कार्ड कलेक्ट करने थे. And we had to give them a rose and greet them. Welcome, sir. So that is what I did. and after that, there was some backstage work as well because it was an award ceremony. So award देने के लिए जो हम लोग tray में trophies या certificates लेके जाते हैं, वो काम मैंने किया है. And gradually, as people started knowing that, I started taking birthday games, started hosting birthday parties, started doing promotional events, small events. So मैंने सब किया है. I have done road shows. जो कैंटर घूमता है वहां पे 10-10 दिन के road shows, पूरा tan हो के हम लोगों ने वो भी events किए हैं. चिल्ला चिल्ला के वो mic बार बार बंद हो जाता था, but it was fun, you know. These are all the experiences that you cherish, and that's how you evolve as a person and as a professional as well. So my first birthday assignment, I was paid 500 bucks, and believe me or not, I was on top of the world. कि अपनी खुद की कमाई है, वो satisfaction ही कुछ और है. So that's how it started. Yeah. Great, yeah, great. And can you just tell me, Shilpa? Now a lot of times, ये जब मैं shows करता हूँ और I choreograph fashion events more, as you know. So Yes. तो जिसमें मैंने किया था और मुझे सवाल ये आया था बैकस्टेज, सर आप कितने पढ़े लिखे. I really don't understand why do people feel that artists are not educated. I mean I am very well educated यार. So ऐसा कुछ आपको कभी आया है कि there is some kind of voice coming? मुझे भी आ रहा है, बट देन इट्स ओके, नॉट फ्रॉम माय साइड फॉर श्योर. ओके सो मैं ये पूछ रहा था कि अगर अगर ऐसा कुछ आपको आता है, मतलब कभी आपको बोला गया कि एंकरिंग करके क्या करोगे, यू नो व्हाट इज द People would say कि this might not turn out to be a full time job. शायद आप part time कर सकते हो as a hobby. But then I feel आपकी जो भी hobby है और अगर आपका वो passion है, if you can turn it into profession, nothing like it. So and I was so confident. Or basically वो time पे I really take pride in saying this, that I was the first anchor from our own town Nasik.
एंड दैट्स द रीजन तब जो भी छोटे मोटे इवेंट्स होते थे आई यूज्ड टू डू थ्री थ्री इवेंट्स इन अ डे बिकॉज एंकर्स ही नहीं थे and the girls they were not prepared to get into this field because it had that glam shosha and traveling late abhi to bhi 10 baje ka apne paas sound ka permission hai ki 10 baje band karna hai but then wo time pe 12 12 baje tak events chalte the so I really owe it to my parents that they had put full trust and faith and belief in me and that's how I'm here fantastic yeah so what about your pilot wala yeah and coming back to your question which is ki kisi ne aisa pucha kya so I think I was pretty well read pehle se I was into a lot of extracurricular activities and since my dad was the principal of Bhosla military college bahut sare log mujhe us tarike se jante the isliye main padhi likhi hu ki nahi iske upar kisi ne sawal nahi kiya that being a principal of course yeah definitely aur kya hota hai khoobsurat ladki ko dekhne ke baad ye log koi kuch poochte nahi pata nahi hum logo ko zyada pooch lete but then yeah for your information I completed my travel and tourism and then I went on and did my MBA in human resource management yeah so I have that MBA degree super so now struggle aapko actually see this is what you started was accident yeah yeah it started by an accident तो उसके बाद थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो एक लो फेज आया होगा जहां पे आपको लगता होगा कि नहीं हो रहा है यार कहीं पे समटाइम्स इट डज हैपन विद एवरीवन एवरी आर्टिस्ट वी डू फॉल फॉर सम ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभार हो जाता है मे बी सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली यू नो हो जाता है तो वॉज देयर एनी स्पेसिफिक मोमेंट एनी स्पेसिफिक इवेंट विच वॉज एम्बेरसिंग वेयर थिंग्स वेंट रॉन्ग मुझे ऐसा लगता है रोहन के एम्बैरेसिंग मोमेंट्स आर द मोमेंट्स दैट टीच यू अ लॉट एंड दोज एक्सपीरियंसेस हर एक ने लेने चाहिए सो यस आई हैड लोड्स ऑफ देम राइट फ्रॉम अ बैकस्टेज ड्रेस मालफंक्शन टू एक इवेंट में तो मैंने क्या किया था कि इट वाज अ संगीत नाइट और जो महाराष्ट्रियन वेडिंग फंक्शन था सो पूरे इवेंट में मैंने दूल्हे का नाम गलत लिया उसका नाम कुछ और था और मैं उसको राहुल ही बुलाया जा रही थी एंड एवरी टाइम आई वुड से राहुल सब लोग वहां से चिल्लाते थे नहीं आई डोंट नो व्हाई उसका नामकरण मैंने कर दिया और पूरे इवेंट में मैंने उसको राहुल बोला सो दिस वाज नॉट एम्बैरेसिंग बिकॉज मे बी कई बार ऐसा होता है अगर मैं गिर भी पड़ू ना तो भी मैं खुद हंसने लगती हूँ इसलिए मुझे एम्बैरेसमेंट होती नहीं है बट देन मे बी फॉर द दुल्हन इट वुड बी एम्बैरेसिंग टेकिंग हर आई थिंक दूल्हे के लिए भी वो दूल्हा भी बेचारा टेंशन में होगा के एंकर ने पहले ये राहुल कौन है राहुल कौन है एब्सोल्युटली ओह गॉड सो आई होप कपल इज फाइन नाउ हैव यू एवर मेट देम अगेन नहीं मैंने वापस जरूरत नहीं की उन्हें फोन करने की ओके ग्रेट सो नाउ शिल्पा टेल मी हाउ आर थिंग्स गोइंग राइट नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट द एंटायर थिंग वी आर गोइंग थ्रू Everyone of us. How are the events पहले के and how are the events आज के? How do you feel the difference? What do you feel? There's a big difference. Number one, when I entered this field, तब competition नहीं था. आज भी मैं जो बाकी लोग कर रहे हैं, all my fellow members, मैं उन्हें competition बिल्कुल नहीं मानती हूँ, because it's fair and square. Everyone has the equal opportunity. There is lot of work in the industry. It is up to you कि आप किस तरीके से खुद को upgrade करते हो और किस लेवल का काम आप उठा रहे हो राइट सो इवन यू नो वी हैव राइट फ्रॉम द न्यूबी एंकर्स टू द एक्सपीरियंस वंस लाइक अस सो विद ड्यू रिस्पेक्ट आई फील कि यू इवॉल्व एज अ पर्सन एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर ऑल द एंकर्स हु आर देयर इनफैक्ट ऑल दोस काफी सारे एंकर्स ऐसे हैं हु कॉल अप एंड आस्क की मुझे ये गेम्स बताओ हाउ शुड आई हैंडल दिस इज अ कॉर्पोरेट इवेंट सो व्हाट शुड बी द लाइन ऑफ स्क्रिप्ट एंड ऑल ऑफ दैट Yes, COVID has given us a big bang, which was absolutely unexpected. And we all are sailing in the same boat. At least the storm is the same, even if the boat is different. But then, yes, good times will definitely come. I'm a very optimistic person. लेकिन इस पूरे लॉकडाउन के दौरान सो आई एम अ पर्सन अगर एक काम नहीं है आई वुड ट्राई टू डू समथिंग एल्स मैं शांत नहीं बैठ सकती हूँ एक जगह पे आई थिंक दैट्स अ क्वालिटी ऑफ माइंड सो दैट्स हाउ मी एंड वन ऑफ माय रेडियोलॉजिस्ट फ्रेंड हर नेम इज डॉक्टर मृगाक्षी क्षीरसागर वी स्टार्टेड विद अ कंपनी इन लॉकडाउन कॉल्ड फीनिक्स हेल्थ केयर
So she is a radiologist and a sports nutritionist. And I also took up a course in image consulting, got certified. And that's how we started with nutrition consultation, image consulting. We have a food line. Then we have specialty doctor tie-ups and other things. So that's all we started in lockdown. So with anchoring and voiceovers that I do, which is my core, my bread and butter, उसके साथ हमने ये भी लॉकडाउन में शुरू किया एंड वी आर गेटिंग रियली गुड रिस्पांस टू इट. फैंटास्टिक यार, वेरी गुड. आई डिडंट नो दैट यू स्टार्टेड दिस, यू डिडंट टेल मी शिल्पा. अच्छा, सो नाउ आई टोल्ड यू, नाउ आई नो, सो आई विल बी देयर. आई मीन जो भी मदद या हेल्प या प्रमोटिंग इट और डूइंग व्हाटएवर, जस्ट डू लेट मी नो, आई विल बी देयर. Because you know, it's such a good thing that you're doing so much. I'm so inspired by you at times. मुझे ये बताओ शिल्पा, how was your experience of doing international events? Because you have done events outside, you know. So yes, so I was with one organization who is into international business, international training, basically. So that's how I traveled thrice to Mauritius, twice to Kenya. And we had training sessions over there, and I was more into client handling. So that was again a different experience from my core. So वहाँ पे जो हमारे training sessions होते थे, उसका पूरा hosting, उसका पूरा management, the client handling and the client servicing was my part. So that was again a very amazing experience for me. A great exposure, I would say. Great. So Shilpa, I'll just take a minute over here to again welcome everyone who's here. I mean, Rani Patil is here, Bose is here, Shalaka is here. Hi Shalaka, how are you? Hi Shalaka. Shalaka is here, and kuch naam upar chalege. My brother Neeraj is also here. He's watching us, and Chetan Shimpi is here. Hi Chetan, I hope you're doing great. Kanak Nad is here, and a lot of people are here. And they are all sending a lot of hearts to us. So thank you very much, everyone, for giving all the hearts. Yeah. So now, me and Shilpa have done quite a number of events. And so, Shilpa... And they were fun events. Konza? Ha! All the fun. And if people are seeing this, this is what exactly happens when we are on stage or we are off stage. Or, but I would like to reveal one secret about you, Rohan. I would like to sabotage your interview right here, and I would like to add up something here. Well, jitne bhi viewers hai, jitne bhi aapar friends hai. Kaun sa secret? Acha, aisa bhi koi secret hai. So, bhai, Rohan ki naak pe hamesha gussa hota hai. और रोहन जब एंकरिंग कर रहे हो और पीछे से अगर आके उनके कान में कोई कुछ बोले तो बस यू शुड सी हिज एक्सप्रेशन. ओह माय गॉड, ही गेट्स सो फियर्स. दिस वन वाज एन इवेंट इन देवलाली, आई थिंक. यस, एब्सोल्युटली. और एंड जब भी रोहन कुछ बोलने जाए, वहां से एक बंदा आता था और रोहन के कान में कुछ तो कुसुर कुसुर करता था. And Rohan used to get like mad. No. I'll tell you. I'll tell all my people, listeners over here. हुआ ये था कि मैं और शिल्पा पोडियम पे होते थे और जब तक कोई आके इन्फॉर्म कर रहा है तब तक ठीक है, यू नो, वी हैव टू से दीज थिंग्स ओवर द माइक. पर होता ये था जब परफॉर्मेंस 3 मिनट तक बच्चे डांस कर रहे हैं, दे आर परफॉर्मिंग, कोई कुछ नहीं बोलता था. और हम लोग जैसे ही पोडियम पे जाते थे, कोई आपके कान में नहीं बोलता था, शिल्पा दे यूज टू डू दिस कंटिन्यूअसली स्क्रैच यू. दिस इज डैम इरिटेटिंग. आई होप एवरीवन वुड अग्री टू मिस सी. दे आर कमिंग एंड जस्ट पोकिंग देयर फिंगर. यार व्हाई बार 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 उनको पूछ रहा हूँ, सर क्या हो गया क्या हो गया, वो बोलते नहीं है, पर ये पोक करते हैं और फिर विंग एरिया में चले जाते. तो मुझे लगा मस्ती कर रहे हैं. सो आई गॉट ऑल एजुकेटेड एंड शिल्पा इज लाइक, रोहन यू आर ऑन कैमरा, कीप स्माइलिंग, लाइक शिल्पा प्लीज हैंडल द पोडियम, आई विल गो टू द विंग एरिया. तो ऐसे ऐसे तो काफी किस्से हैं. एंड आपने रोहन पीछे विंग में जाके हक किया होगा उसको पक्का. मैं बहुत हक किया उसको. And all that ends up in Marathi starts. Yes, absolutely. And which is amazing.
सो मैं आता आमता आता तुमच्या बरोबर आम्ही मी मराठीत बोलतोय थोडा एक दोन मिनिटात जितकं येईल तितकं बोला की हा आणि आता तुम्ही सांगा दुसरे कोणते इव्हेंट्स. इट वॉज व्हेरी गुड टॉकिंग इन मराठी विथ यू. आय रिअली एन्जॉयड इट. अँड नाऊ टेल मी व्हॉट आर द नेक्स्ट प्रोजेक्ट दॅट यू आर लुकिंग आउट फॉर, लुकिंग अप टू आय वुड से. Yes, so right now I'm very much focusing on image consulting and lifestyle consultation, as I've mentioned. And I want to spread my wings across India. Mein kafi events kar liye hain, but then I would like to go international now, and I've already started working on it. And by God's grace, I hope things will work out once the pandemic is over. 100%, 100%. Shilpa, I would just request you. थोड़े से ब्रीफिंग में आप बता दीजिए, बिकॉज ये आपका जो नया काम है इमेज कंसल्टेंसी का, ये आप कैसे करते हो? व्हाट इज इट, व्हाट इज द प्रोसीजर, एंड हाउ डू यू टेक क्लाइंट्स? सो पीपल हु वांट्स टू गेट कैन टेक अ हेल्प फ्रॉम यू. एब्सोल्युटली रोहन, थैंक यू सो मच फॉर पुटिंग दिस अप. वेल, इमेज इज ऑल अबाउट, जैसे हम बोलते हैं ना कि व्हेन समवन वॉक्स इनटू अ रूम, the kind of presence the person has, the kind of aura the person carries, this all can be developed. Sabko aisa lagta hai, are yaar kitna, this person looks so graceful, so amazing, he or she is so well dressed all the time. So you also can be like that. So isme jo main cheeze hain, these are how to identify your body type, what type of clothes should you wear that will suit and enhance your body type. Then there is wardrobe optimization. I'm sure you'll agree with me, Rohan, ki hum log jab shopping karte hain, so we shop so many things impulsively because there is lot of sale there, ya fir are pasand aa gaya le liya. But sachi sachi batao, out of your whole wardrobe 20% wardrobe is only utilized, the rest is not utilized, right? So ye wardrobe optimize hum kaise kar sakte hain? Covid ne to sirf 2% kiya hai, main sirf ganji aur pajama mein rehta hu, full time in workout karte rehta hu. I am sure. Yes. So yeah, how to optimize your wardrobe, how to make the most of it, how to accessorize, communication and soft skills is a large part of your persona. True. So usse aap kaise uske sath aap kaise usko enhance kar sakte ho, how you can make yourself a charismatic personality whenever you walk in somewhere. So ye sari cheeze hain, because I think this will boost an immense confidence in anyone, and then whichever field you opt, you'll definitely excel in that. So image building is something which is really important. Nasik ke liye shayad thoda naya hoga this concept that you might want to have a consultant to tell you ki kya pehenna aur kya nahi pehenna hai. Isme personal shopping is also one part. For example, you might get confused ki aaj main ja raha hu bhai, mujhe 10,000 nahi 5,000 mein mujhe proper sari cheeze khareedni hai. So I'm there to help. I can be your personal shopper for that particular 1 hour and okay, choose the correct outfits for you as well. So this is also a part and parcel of that. Do you have any person who can just come up for shopping and also pay for the bill? Credit card aap de dijiye, payment hum kar denge. Mere to credit card bhi nahi chal raha aajkal, because okay, anyway, which means that is a good concept that you have started, yeah. And I hope all the people, I mean most of them, jisko agar actually karna hai ye, so they can get connected to you, yeah. And get connected to your Insta. Okay, Shilpa, in every interview we have something different. Ab main ye interview to tumhare saath kar raha hu, tumhara main to general baat kar raha hu, but I have this thing that you know, aapke liye maine thoda jot down kiya tha. To ye cheez aapne kafi famous ek show aata hai, jo ek show ka main actual live yahan pe karne wala tha, but because of thanking China for this, कि I was not prepared, तो उन्होंने ये lockdown करवा दिया हमसे, तो उस show का थोड़ा सा मैं inspire हो गया था उस show से, तो मैंने आपके लिए कुछ चीजें, okay, जैसे आपने देखा होगा Facebook पे मैंने डाला था direct message me if you want to ask anything, so there were some things that has come up, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, okay, rumors है, right, और वो rumor है कि वो सच्ची है, वो आप मुझे बताओगे. Perfect. Okay. I'll be honest. Yeah, you have to be. Okay. So the first rumor, मैं चाहूँगा कि ये rumor ही हो. ये है कि शिल्पा को anchoring इतनी ज़्यादा पसंद है. शिल्पा को anchoring इतनी ज़्यादा पसंद है कि वो घर में भी anchoring style में बात करती है.
नॉट रियली नॉट रियली मतलब ये रूमर पक्का रूमर है, मतलब आप कभी ऐसे डाइनिंग टेबल पे जाके ये नहीं बोलते मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए देखकर और मैंने आज ही आपके लिए डिश बनाई है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, नहीं। बिल्कुल ओके, नहीं। सो ये एक रूमर ही है, ऐसा कुछ नहीं है, शिल्पा बहुत नॉर्मली बात कर आई सकता। थिंक आई एम अ वेरी डिफरेंट पर्सन एट होम, आई एम अ वेरी बेसिक पर्सन एट होम। ओके अच्छा, होम से याद आए, विथ योर किड और दो रूमर्स हैं बट विथ योर क्यूटी पाई, आपने एक वीडियो भी अपलोड किया था रिसेंटली ऑन इको ब्रिक, तो थोड़ा सा ये बता यस, दीजिए यार, व्हाट इज इको ब्रिक एंड आई हैव डन समथिंग, सो आई विल टेल यू मैंने क्या किया है। वाओ, आई विल बी हैप्पी टू लिसन टू दैट। ऑसम। ओके, सो इको ब्रिक इज बेसिकली जो हमारा प्लास्टिक वेस्ट होता है घर में, इट कुड बी रैपर्स ऑफ चॉकलेट्स, दूध हमारे घर पे रोज आता है, सो पैश्चराइज मिल्क के जो पैकेट्स होते हैं दैट इज देयर, वी हैव वेफर्स, लॉट मेनी थिंग्स। तो ये जो सारे सारा जो ड्राई प्लास्टिक है, ये सारे प्लास्टिक को आपको क्लीन करना है। यू हैव टू इंश्योर कि उसमें कोई भी फूड आइटम ना हो, अगर दूध की थैलियां हैं तो उसको प्रॉपर क्लीन करके आपको सुखा के, यू हैव टू मेक इट ड्राई एंड क्लीन एब्सोल्युटली। देन टेक अ पेयर ऑफ सीजर्स, ये सारे प्लास्टिक को आपको कट करना है इन स्मॉल पीसेस। टेक अ प्लास्टिक बॉटल जो आपकी बिस्लरी बॉटल या कोई भी प्लास्टिक बॉटल है, बट इफ यू हैव सेम साइज के और सेम शेप के बॉटल्स हो तो ज्यादा बेटर है, बिकॉज देन यू कैन यूज इट टू मेक सम स्ट्रक्चर योर सेल्फ। देन यू हैव टू, यूल नीड अ स्टिक फॉर इट, यू हैव टू, ये जो सारे प्लास्टिक के टुकड़े आपने किए हैं सीजर्स के साथ, ये बॉटल में आपको भरने हैं, स्टफ करते जाने हैं ऊपर तक, उसमें बीच में कहीं गैप्स नहीं होने चाहिए। आई हैड ऑल्सो शेयर्ड अ लिंक जिसपे उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है कि हाउ यू आर एब्सोल्युटली यू शुड बी एबल टू डू इट। तो ये करके उसे पैक करके रखना है। दीज इको ब्रिक्स, एज यू ऑल नो कि प्लास्टिक जो है वो डिग्रेड नहीं होता है, उसे हजारों साल लगते हैं डिग्रेड होने के लिए, एंड इवेंचुअली इट पोल्यूट्स द एनवायरमेंट, इधर इट गोज इन द लैंडफिल्स और उसकी वजह से सॉइल खराब हो जाती है, और इट गोज इनटू द ओशन जिसकी वजह से मरीन लाइफ को बहुत ही ज्यादा खतरा है। सो ये करने की वजह से वंस यू हैव लोड्स ऑफ इको ब्रिक्स, इधर यू कैन डोनेट इट टू द ऑर्गेनाइजेशन दोज हु यूजेस दीज इको ब्रिक्स फॉर कंस्ट्रक्शन। रूरल एरिया में जैसे जो बाथरूम्स भी बिल्ड करते हैं, इंस्टेड ऑफ हमारी जो रेगुलर ब्रिक है, मिट्टी की जो ब्रिक होती है, ईट होती है, उसकी जगह ये यूज किया जाता है। सो सीमेंट इज यूज और वो सीमेंट में ये ब्रिक्स लगा के स्ट्रक्चर्स खड़े किए जाते हैं। सो इट्स एन अमेजिंग थिंग टू डू, सो दैट वी एटलीस्ट कुछ जो प्लास्टिक है वो लैंडफिल्स में जाने से हम लोग बचा सकते हैं। इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। सो यू मीन टू से द बॉटल शुड बी कंप्लीटली स्टफ्ड, यू नो, एकदम से भरा हुआ। यस, एंड यू नो एनी, और इसमें सिर्फ प्लास्टिक चाहिए, इसमें सिर्फ प्लास्टिक चाहिए, नो पेपर नो मेटल इज टू बी यूज्ड, ओनली ओनली प्लास्टिक। Okay, great. Yeah, this is a very good thing. I mean, I had seen this something yes. like this on Discovery long back. Yes. So, आपको कोई पता है कोई organizations के जो ये सब लेते हो? See, there is one group on Facebook called Eco Freaks. Eco Freaks नाम का एक group है. तो अगर आप उसमें भी post कर देते हैं, तो they can tell you कि कहाँ पर आप भेज सकते हो इसको. Fantastic. So, guys, everyone who's here online, so Eco इको कौन सा है, ब्रिक्स नहीं, इको ब्रिक्स, इको फ्रीक्स, इको फ्रीक्स करके एक पेज है फेसबुक पे, यू कैन लॉग इन ओवर देयर, यू कैन टेल देम अगर आपके पास ऐसे बॉटल्स आप बना दो इको ब्रिक्स के, एंड दिस इज सच अ लवली कॉन्सेप्ट यार, मतलब जितना हम अपनी तरफ से कर सकते उतना तो वी विल डू इट। आई डिडंट हैव अ बॉटल, आई डिडंट हैव अ बॉटल, आई सॉ द एंटायर वीडियो शिल्पा, बट मेरे घर पे एक छोटा सा मटका था, तो फिलहाल के लिए मैंने उस मटके में रखा हुआ है चीजें, प्लास्टिक, ओके, यू नो, जैसे ही बॉटल मिल जाएगा बॉटल में डाल देंगे। थैंक यू वेरी मच यार, परफेक्ट, थैंक यू। सो नाउ कमिंग बैक टू योर रूम, ओके, यस, आप बिल्कुल भी घर में एक डिफरेंट पर्सन है, वेरी गुड। शिल्पा का एक नया प्यार है, लव, एंड दैट इज साइक्लिंग। Yes. Yeah. So, एक चीज ये भी है कि शिल्पा को साइकिलिंग इतनी ज्यादा पसंद है कि कभी अगर उनको ये लॉकडाउन की वजह से टाइम नहीं मिलता है तो रूम में से, एक रूम से दूसरे रूम में भी साइकिल के पोज में वो भागते रहते हैं या साइकिलिंग करते हैं। सो हाउ, दिस इज एन अमेजिंग क्वेश्चन, अमेजिंग रूमर। काश कि मेरे घर के अंदर उतनी जगह होती तो मैं मेरा रोज का जो 25 किलोमीटर का कोटा है
साइकिलिंग का वो मैं सीरियसली घर में कर लेती. आई विश आई कुड बट देन या आई नीड टू टेक अप सम एरोबिक्स राइट नाउ. ग्रेट, सो यू कैन ज्वाइन माय क्लासेस. ओके, थोड़ा मैंने पब्लिसिटी कर दिया अपना. ओके, व्हाई नॉट. दिस वन इज वेरी गुड. शिल्पा एक बार जो कमिटमेंट कर देती है तो उसके बाद वो किसी की भी नहीं सुनती. Yes, this is very true because I remember दो बार ऐसा हुआ है कि I committed for an event और मुझे 101 बुखार आया था. But then, see, हमारे लिए ये शायद एक इवेंट होता है लेकिन जिन्होंने हमें बुक किया है उस इवेंट के लिए, फॉर देम इट्स अ वन टाइम एंड लाइफ टाइम मेमोरी. सो वी हैव टू इंश्योर कि इट हैज टू बी द बेस्ट. तो इतना बुखार होने के बावजूद भी मुझे आई वेंट देयर एंड आई कैरीड आउट द होल शो सक्सेसफुली विदाउट इवन लेटिंग देम नो दैट आई एम अनवेल. शायद उस माइक में कुछ मैजिक है. द मोमेंट आई टेक इट इन माई हैंड आई एम समवेयर एल्स. आई मीन जो भी अपना दुख दर्द है मैं सब भूल जाती हूँ. एंड द मोमेंट यू गिव द माइक बैक टू द साउंड गाय देन यू स्टार्ट रियलाइजिंग बॉस ओके नाउ आई नीड टू गो होम एंड हिट द बेड. So yes, ऐसा दो बार हुआ है when I was absolutely unwell and still did the event and completed my commitment. Superb, superb. But actually आपने rumor थोड़ा आधा सुना. Okay. Okay. तो okay, शिल्पा, really? शिल्पा एक बार जो commitment कर देती है तो उसके बाद वो किसी की भी नहीं सुनती. तो ये actually ऐसा था कि उसके बाद अगर event हो ना हो, अगर उसको बुक किया है तो वो उस जगह पे वेन्यू पे जाती जरूर है और कुछ ना कुछ आधा घंटा बोल के आती जरूर है भले ही कोई हो नहीं हो. भले आपने मुझे बुक किया है, दिस इज अमेजिंग. रोहन नेक्स्ट इवेंट जब कैंसल होगा आई एम गोइंग टू डू दिस एंड आई एम गोइंग टू सेंड यू अ वीडियो ऑफ दिस. यस यू फॉर श्योर एडवेंचर. भाई कमिटमेंट किया है जो अब कुछ भी हो जाए मैं तो जाऊंगी. मैं तो वहां जाने वाली. Awesome. कोई हो ना. I'm gonna do this for sure. For sure. So that was यार शलाका सी. शलाका is also laughing. अच्छा मतलब शलाका के साथ भी ऐसे ही होता है कि मैं जितनी भी बात करता हूँ हम बातें कम करते हैं और हंसते ज्यादा है. But absolutely. So तीनों ही rumors हैं. उसमें से जो पहला वाला last वाला था कि उसमें जो commitment होता है तो definitely we have seen your commitment and you do a great job. Thank you for this happened with me. Shalaka, come on. Now, Shalaka, I need to give you a call after the interview and I will talk to you what happened. So, thank you very much, Shilpa, ki pehle to aap pilot nahi bane. Thank you. Bahut pure shahar ki taraf se main aapko dhanyawad kehna chahunga ki please, thank you very much ki aap pilot nahi bane. And now we have this one more thing that we give the next 5 to 10 minutes, 5 minutes at least. People would ask questions directly to you. अब देखिए, oh that's amazing. Stage पे live तो है नहीं, नहीं तो मैं वो भी host कर देता. पर hi Atul is here. Come on यार, today we have everyone coming to Nasik Run Memories. Hi yeah. Atul. Yes. Oh my God, that was amazing. Atul, really. I still remember the ham thing specially. और नहीं नासिक में काफी लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हम सिर्फ शिल्पा दीदी के साथ काम करेंगे. आई होप यू रिमेम्बर दिस शिल्पा. यू आर वन बिग प्रैंकस्टर आई नो दैट. सो या गाइज इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग टू शिल्पा शी इज हियर एंड शी विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस. Yeah, anyone. Poonam is also here. I have done summer jam in Nashik. Hey, Poonam. Ujwal is here. Oh, God. We have the entire gang here. Gang. Oh, my God. You know what? मुझे ऐसी feeling आ रही है कि हम लोग actually event कर रहे हैं. You know, I'm feeling so happy. I'm just missing my mic. That's it. कोई नहीं यार. ऐसे ही आप mic के बिना ही better है. तो आज अच्छा गाइज एवरीवन ये हार्ट्स जो ऊपर जा रहे हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. तो प्लीज कीप ऑन गिविंग ऑल द हार्ट्स. वेयर डू यू गेट एनर्जी फ्रॉम? बिब्स.
That's my bestie and my partner I told you about, yeah. Phoenix Healthcare. She's Dr. Mrugakshi Shirsagar. Hi, Doctor. So, Mrugakshi, you know that a lot of energy I get from you and these amazing people around me. Love you so much. Okay. And any more questions? Yeah, I need a lot of questions because Shilpa is here. Ye wapas aane nahi wale hai yahan pe. दूसरे शो में आएंगे और फिर आपको क्वेश्चन पूछेंगे. बेटर यू आस्क अ क्वेश्चन राइट नाउ. एनीवन हु वांट्स टू आस्क एनीथिंग. डू यू हैव एनी काइंड ऑफ फियर? इफ यस, व्हाट्स दैट? शलाका. ओह गॉश. ओके. फियर 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 फियर. यस. नाउ यूजुअली नहीं होता है फियर शलाका, बट देन नाउ बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ फियर ऑफ फ्यूचर. The reason being, I think this pandemic has taught us ki we should have some side hustle. Sirf ek hi cheez ke upar depend karna theek nahi hai. And I think that is what I learned. That is the biggest lesson I've got from the pandemic. And yes, I have a little fear of future when it comes to my kid being a single parent. So that's the only fear. Baki, you know how I am. And that's the reason you call me Khali, right? Rohan, she and some of my friends call me Khali, by the way. You call you Khali? That's my nickname. So I think we will put a name for Shalaka also, which will be Bali. So jab dono bhene kaam karenge, so it would be Khali Bali sisters coming and doing it. Oh God. You know what? Initially, when I had gained a lot of weight, tab sab log bolte the ki, are you know those sisters, anchor sisters? तो उनमें से बुक करना है एक को. तो पीपल यूज टू आस्क कौन सी वाली, मोटी वाली कि पतली वाली. सो आई वाज द मोटी वाली एंड शी वाज द पतली वाली. मोटू एंड पतलू, बहुत सारे लोग मोटू एंड पतलू जोड़ी. कोई नहीं यार, एक वो है जो खाते पीते घर से आते हैं, एक वही है जो उसी घर से आते हैं पर लेट उठते इसलिए पतले, बाकी कुछ नहीं. सो नाउ Ajinkya is asking some question. Ajinkya, I'm not getting what you are trying to ask. Remdesivir tablet? Inhi hai kya? Matlab kya hai iska? Matlab, nahi samjha main sir. Remdesivir in hai kya? Okay, I don't know. Did you get it? No, I think. Okay, guys, nothing related to COVID we are asking over here. तो अगर कोई दूसरा, what happens when you are on the stage but due to a lot of lights you can't see the audience, neither you can see their reactions, what do you do then? I think that's the best thing to do because सामने कौन है समझ में नहीं आ रहा है, तुमको जो बोलना है बोलो. No, I know why Atul has asked. So this. Yeah, basically jokes apart. क्यों Atul? बाद में मैं अतुल से बात करूंगा. या सो व्हाट डू यू डू? सो व्हेन देयर इज लॉट ऑफ लाइट इन माय फेस, इधर आई आस्क द लाइट गाय टू जस्ट टोन इट डाउन अ लिटिल बिट. नहीं तो फिर हमको यूजुअली यही करना पड़ता है. ओके, कैन यू सी मी? आई कैन सी, आई कैन नॉट सी यू. ओके, सो श्वेता इज आस्किंग, मैम व्हाट अबाउट इमेज कंसल्टेंट मैनेजमेंट? Image consultant management. Huh. I didn't quite get the question. Could you please repeat? I mean. Okay. Actually, when Shilpa and Shalaka has mic in hand, the people don't want to be a part of game or activity. They fear. Why? मतलब ये लोग ही खेल लेते हैं क्या? अच्छा. I think it's our charm, they mean to say. Charm. Ujjwal ka. Ujjwal ka. We are charmers. It was DJ. Ujjwal knows very well, yeah. And there's one more. How do you keep your mental health fitness? Oh, that's a great question. Okay. So, first of all, I might not look like, but yes, I do meditate. There are different types of meditation. Sirf baith ke aap shanti se baithe raho, wahi nahi hai. Whatever makes you happy, I think you should do that. So mental health will be good only when you are at peace and you are happy. And happiness is a choice. So you have to choose happiness every day. I always say that.
तो आप मेंटल हेल्थ के लिए मेडिटेशन कीजिए, ऐसे फ्रेंड्स के साथ मिलिए, ऐसे लोगों के साथ आप जाइए जो आपको अपलिफ्ट करे, जो आपको इन्फ्लुएंस करे, जहां से आप कुछ नया सीख रहे हो. इट हैज टू बी समथिंग एनथ्रॉलिंग एंड इनविगोरेटिंग सो दैट यू गेट टू लर्न थिंग्स एंड यू कीप योरसेल्फ बिजी. मेरे लिए माय किड इज द बिगेस्ट स्ट्रेस बस्टर. सो इसलिए कल हम लोगों ने वो वीडियो किया. वी लाइक प्ले क्रिकेट, वी डू मस्ती एंड एवरीथिंग. सो यू हैव टू फाइंड वॉट मेक्स यू हैप्पी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Whose question was this? Shweta. Shweta. Yes, Shweta. So you have to seek for things jo aapko khush rakhe. It can be as simple as going on a walk. It can be as simple as going to a riverside, watching a sunset, having a cup of coffee at your favorite corner at your home. Choti choti cheeze hain. I always believe ki badi cheezo se ye jo choti choti cheeze khushiyan deti hai na, ye aapke mental health ko ekdam हेल्दी रखेंगी. सो नेहा इज ऑल्सो हियर. नेहा खरे, हाय नेहा, हाउ आर यू, थैंक यू फॉर लॉगिंग इन. हाथ में माइक जब होता है लोग बहुत सोच समझ कर गेम में और एक्टिविटी में आते हैं. आई हैव ऑब्जर्व दिस मेनी टाइम्स. उज्जवल, सो यू थिंक दे आर इंटिमिडेटेड बाय यू? यस दे फियर यू, ही सेड इट ना. So, dusra hai Neha, I saying that is the reason she's always connected with you. Great. Thank you, Neha. Thank you very much for all the questions. If you have any, we can put it together. Kya tha ye? Bapre, itna bada kisne likha hai? She don't have any questions for Shilpa, but one complaint to her from my side is that as soon as we are together, we get energies automatically and starts feeling positive. Thanks, Shilpa. So, ye complaint kyun hogi? जो लोग पार्टी में कुछ नमूने होते हैं और पार्टी में उज्जवल, यू आर टू गुड मैन, यू आर फैंटास्टिक, नमूने होते हैं. सो उज्जवल इज येट अनदर फन पार्टनर टू हैव एंड टू डू अ पार्टी विद. ओके, एब्सोल्युटली ग्रेट, थैंक यू पीपल सो मच. आज अभी तक 20 लोग है लॉकडाउन जो मैं देख रहा हूँ, व्यूअर्स है और काफी दिन आ रहे हैं. थैंक यू वेरी मच एवरी वन. शिल्पा, यू वॉन्ट टू से एनीथिंग, यू वॉन्ट टू शेयर एनीथिंग, प्लीज गो अहेड. थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर ज्वाइनिंग इन. दिस वॉज एन अमेजिंग टाइम विथ यू ऑल, स्पेशली हमारे जो इवेंट फ्रेटर्निटी के लोग हैं जिन्हें हम काफी महीनों से नहीं मिले हैं. इट वॉज रियली गुड टू सी ऑल ऑफ यू. सो आई लव यू ऑल. That was sweet. Thank you, Shilpa. All the best for everything. All the best for all the new concepts that you're doing. The work that you have started. Thank you. Your image consultant, your profession here. I hope you reach the sky and you'll definitely do it. Once again, thank you very, very, very much for being a part. And maza aa gaya yaar, wapas usi tarah se. I just... Absolutely. I'm just waiting to go on the stage now. We will soon हम लोग को करना है एक इवेंट साथ में, एक नहीं बहुत सारे. एंड शिल्पा, आई वुड रिक्वेस्ट यू सैटरडे विच विल बी माय अदर एपिसोड, और वो एपिसोड तो आपको जरूर आना है. एवरीवन हैज टू कम इन, सब लोग ही आते हैं. बट इट्स गोना बी एज फन फील्ड एनर्जेटिक जितना ये एपिसोड रहा है, एंड पीपल आर गोना लव इट बिकॉज जो सैटरडे को आएंगे वो बहुत मस्ती मजाक करने वाले हैं. सो दैट्स हाउ वी आर हियर. क्या बात है, लुकिंग फॉरवर्ड. थैंक यू, प्लीज बी सेफ और गिव माय लव टू योर किडो द क्यूटी पाई. थैंक यू. थैंक यू एवरीवन. एंड इट्स अ लॉकडाउन, स्टे होम, स्टे सेफ. प्लीज टेक केयर, प्लीज डू नॉट गो आउट. वी ऑल नीड टू मीट अगेन आफ्टर द लॉकडाउन. सो प्लीज बी इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ. And anything, we are here. Yes. We all are praying for everyone. So, thank you. Yes. See you. Good night. See you soon. Good night. Love you all.